देता था, मैं रिटन रिव्यूज देता था पहले, बट अब मैंने छोड़ दिया। बट हाँ, मैं मूवीज ज़रूर देखता हूँ, 20 साल करीब हो गए होंगे मुझे मूवीज़ देखते हुए, और मैं मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छी हो बुरी हो देखता ज़रूर हूँ, ताकि उसके बारे में पता चले कि बुराई पॉइंट्स हैं तो लोगों को पता चलना ही है। जैसे आप भी एक काम कर रहे हो या अच्छा काम कर रहे हो, आई होप ये यूट्यूब का कोई चैनल होगा आपका, तो मैं कोशिश करूँगा मैं इसको फॉलो करूँ, और बस यही बोलूँगा कि एक मैसेज, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये मैं बोलूँगा कोई मैसेज ज़्यादा देशभक्ति का वो होता है मूवी से, मूवी से ये मैसेज क्लियरली, मूवी से यही, मूवी से यही मैसेज जा रहा है कि हमेशा आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर सामने वाला हाथ बढ़ा रहा है तो आपको भी हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कुछ लोग सोचते हैं कुछ लोग नहीं सोचते, फिर पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, वो सबकी अलग मेंटालिटी है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, अच्छा मैसेज दिखाया कि आप चाहो तो यूनाइट हो सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन बोथ कंट्रीज। अच्छा, कटरीना का रोल है मूवी के अंदर कुछ? कटरीना का रोल कम कर दिया है, बट जितना है ओवरऑल अच्छा है। और ऑब्वियसली यार, YRF की मूवी है, इतने सारे लोग भरे हुए हैं, छोटे छोटे रोल्स हैं, जैसे कि मैं उस, मुझे उस एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, मर्दानी 2 में जो विलन था एक्चुअली, विकास बाडवा ऐसा कुछ नाम है, हाँ, विशाल जेठवा, विशाल जेठवा, यस, मैं नाम याद नहीं आ रहा था, तो उसको छोटे से रोल में डाल दिया। तो ऐसे ही तो एक्टर ग्रोथ करता है यार, मतलब। और ऑब्वियसली आप कहते हो ना किसका रोल, आप रोल को कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी मूवी में आजकल इतने सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स भर दिए जाते हैं, तो आप हर एक पर जोर नहीं डाल सकते। बट ओवरऑल जिन लोगों ने जितना काम करा, छोटे छोटे रोल जिनके थे सबके अच्छे थे। कटरीना का रोल थोड़ा कम था, शुरू में इंपॉर्टेंट दिखाया, क्योंकि स्टोरी उसी के अराउंड घूमती है एक्चुअली, बेस वहीं से स्टार्ट होता है, इमरान हाशमी उसी से रिलेटेड था, तो उसका वो रोल वहाँ शिफ्ट कर दिया। बाकी तो फिर ऑब्वियसली मेन एक्शन ज़्यादा चलता है, तो उन्होंने आगे कैरी करा, आगे लेके गए। बट कटरीना एवरी जहाँ पे भी थे साथ में थे, ऐसा कोई वो नहीं, अच्छी थी। बट मैंने बोला ना कि हर एक की अपनी सोच है, आप किसी की सोच को मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं, नहीं, वो उनकी सोच है, उनको विलन अच्छा लगा। अब जॉन अब्राहम का मैं आपको बताऊँ, ये लोग बोल रहे हैं कि जॉन अब्राहम का रोल ज़्यादा अच्छा था, 101% जॉन अब्राहम मारधाड़ में भी था, दिमाग में भी था, सब में था, तो ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे क्या, इन्होंने एक हॉलीवुड स्टाइल विलन बनाने की कोशिश करी गई है, जो कि मैं अब, और मैं ये बोलता हूँ, देखो